फिजिक्स से संबंधित है, संबंधित है भोपाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रॉकेट के कार्य का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, आगे बढ़ते सवाल पे। सेनेगल की राजधानी क्या है? सेनेगल की राजधानी क्या है, क्या है, क्या है, उसका जो आंसर क्या होगा फटाफट बताइए हमको, जल्दी बताइए। डकार है। ठीक है, डकार है। और इसका अगर मुद्रा की बात करें तो मुद्रा क्या होगा? मुद्रा है फ्रैंक। ठीक, चलिए अब आते हैं सेवन हिल्स मीन्स कि सात पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? सात पहाड़ियों का शहर कहा जाता है रोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरोमीटर का उपयोग किस राशि के मापन के लिए किया जाता है? तो उच्च तापमान के लिए। उच्च तापमान भी किसके लिए? तो दूर स्थित, ठीक है, दूर स्थित वस्तु की ताप को मापने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष निम्नलिखित घटना का उदाहरण है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए और इसमें अगर आपको स्कैटरिंग ना मिले, ठीक है, और वर्ण विक्षेपण मिल जाए तो आप किसको टिक करेंगे? यहाँ पे वर्ण विक्षेपण टिक करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी राशि, कौन सी सदिश राशि है? सदिश राशि है मीन्स की सदिश राशि मतलब जिसका, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और क्या हो और डायरेक्शन दोनों हो, किस में होता है जल्दी बताइए? ये होगा भार में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। न्यूटन के प्रथम गति के नियम द्वारा किसके द्वारा, इसके प्रथम नियम की संकल्पना से क्या प्राप्त होता है? तो जड़त्व का नियम न्यूटन का प्रथम नियम भी कहा जाता है। ठीक, चलिए सरल लोलक का आवर्त काल दुगुना हो जाएगा तब उसकी लंबाई कितनी गुनी हो जाएगी? अगर आवर्त काल टी अगर दुगुना हो जाए तो उसका जो लंबाई है वो कितना हो जाएगा? चार गुना हो जाएगा। टिक कर लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान अनुच्छेद 15 किससे प्रस्तावित है? बस याद रखिएगा, समान अधिकार। ठीक ना, चलिए वियना की राजधानी क्या है? वियना की राजधानी हो जाएगा, हो जाएगा ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया वियना की राजधानी है। ठीक, अगर बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल। ठीक है, ब्रुसेल्स। कोलंबिया की राजधानी क्या है? बोगोटा, बोगोटा। इटली का राजधानी? रोम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा रैंड है। और इसका अगर राजधानी की बात करें, राजधानी क्या है भाई? तो प्रिटोरिया, प्रिटोरिया। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे। किसी ठोस में वितरित द्रव्य को क्या कहते हैं? किसी ठोस में वितरित द्रव्य को सोल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारे का रंग सूचक क्या है? तारे का जो रंग होता है किस पर निर्भर करता है? उसके ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रोन रेखा किन देशों की सीमाओं को सीमांकन करती है? तो ये करेगी पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। ठीक है, चलिए अब आते हैं। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी भैया, आपको बताना है, जल्दी से बताइए। इतनी बार तो मैंने बताया था आपको, आप लोगों को पता है तो बताइए जल्दी, नहीं पता तो महावीर की मृत्यु हुई थी, देखिए जन्म हुआ था इनका कुंडग्राम वैशाली में, कुंडग्राम वैशाली में, और जन्म मृत्यु हुआ था पावापुरी में मीन्स की राजगीर, राजगीर, राजगीर। और ये दोनों का जगह कहाँ है भाई? ये बिहार में ही है दोनों जगह, बिहार में ही वैशाली भी, बिहार में ही है राजगीर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? रामचंद्र गुहा। अब जरा तेजी से चलेंगे क्वेश्चन पर। सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है? तो किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं को कहा जाता है GST। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, पल्लव किनके सामंत थे? पल्लव किनके सामंत थे? तो पल्लव जो थे सातवाहनों के सामंत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व की सबसे ऊंची राजधानी किस देश की है? आंसर होगा बोलिविया। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है मीन्स की किस प्रकार की होती है? विश्व में जो सर्वाधिक वर्षा होती है उसका प्रकार है संवहनीय वर्षा। ठीक है, नेक्स्ट है, सीमेंट में सेटिंग के समय को नियंत्रित करने के लिए क्या मिलाया जाता है? जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला क्या है? Ca(SO4)2H2O। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रामेश्वर द्वीप को भारतीय मुख्य द्वीप भूभाग से निम्नांकित में से कौन अलग करता है? रामेश्वर द्वीप को भारतीय भूभाग से पम्बन द्वीप अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में
उस हार्मोन को बताएं जो पादप हार्मोन नहीं है, कार्टिसोन पादप हार्मोन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर के अंतिम भार को क्या कहा जाता है? कर के अंतिम भार को कहा जाता है करापात या इंसिडेंस कहा जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम राज की स्थापना का मार्ग किस युद्ध के प्रशस्त हुआ था? तराइन का युद्ध। तराइन का दो युद्ध हुआ था भैया, एक एक तो 1191 में, दूसरा 1192 में। दोनों युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? पहले होता पृथ्वीराज प्लस गौरी के बीच में, पृथ्वीराज जीता गौरी हारा। दूसरी बार सेम इसी के साथ हुआ था, अब की पृथ्वीराज हारा दूसरी बार गौरी जीत गया। ठीक है, अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने दास प्रथा को अपने देश से समाप्त किया था? अब्राहम लिंकन ने। हिंदी साहित्य का स्वर्ण किस शासनकाल में रहा? तो अकबर के शासनकाल में रहा। अलाउद्दीन को मलिक काफूर की प्राप्ति कहाँ से हुई थी, कब हुई थी? गुजरात विजय के बाद हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिस की क्रिया के अंत में ग्लूकोज किस में बदल जाता है? ग्लूकोज बदल जाता है पायरुविक एसिड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्मोनरी वेन जो निम्नलिखित रक्त का संचार करती है, हालांकि सीरा की बात करें, वेन की बात करें, वेन क्या करता है? ये इम्प्योर ब्लड का सप्लाई करता है। इम्प्योर ब्लड का ये क्या करता है? बॉडी टू हार्ट ले जाता है, मींस की सप्लाई करता है। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट होता है, पल्मोनरी वेन की बात करें तो ये क्या करता है? शुद्ध रक्त को ले जाता है। ठीक, निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि अंतस्त्र श्रावी और बाह्य श्रावी, मींस कि इंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों तरह का कार्य करता है, पैंक्रियाज करता है। ठीक है, मैं समाजवाद हूँ पुस्तक के लेखक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। आगे बढ़ते सवाल पे, अशोक अंधम किस पर जोर देता था? शांति पर तो जोर देता था, साथ ही जन कल्याण दोनों पर करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल आवर्त गति में त्वरण, त्वरण जो होता है, त्वरण किसका समानुपाती होता है? डिस्प्लेसमेंट का समानुपाती होता है, मीन्स के विस्थापन का समानुपाती होता है। स्पेक्ट्रम में किस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो सबसे ज्यादा होता है लाल का, और सबसे कम होता है वायलेट का, जिसमें लिखते हैं ना भिव ग्योर। ठीक है, तो लाल का सबसे ज्यादा और बैंगनी का सबसे कम। ठीक, चलिए, और इसी का अपोजिट हो जाएगा, जैसे यहाँ पे वेवलेंथ अगर जिसका ज्यादा है उसकी फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी। फ्रिक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, तो रेट का क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और इसका सबसे ज्यादा हो जाएगा, अपोजिट है। ठीक है, लाल ग्रंथियों के द्वारा कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है? लाल ग्रंथि के द्वारा टाइलिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत का सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है? तो छोटा राजमार्ग यहाँ पे है NH-47A। ठीक है, NH-47A, लेकिन अब तो सबसे छोटा राज की यहाँ पे बात कर दिया मैंने, तो सबसे बड़े जो है यहाँ पे, ये तो सबसे छोटा हो गया, तो सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है ये भी नोट कर लीजिए। सबसे लंबा जो है NH-44 है। ठीक है, बहुत बड़ा एग्जाम पूछेगा। अब यदि साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाए तो क्या होगा? ये फैलेगा। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये जम्बेजी नदी पर है। प्रयाग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? केरल राज्य में है। अंतर्राष्ट्रीय मानव संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, चलिए आपको थोड़ा और मैं समय देता हूँ, आपको इसका सवाल आपको बताना है, अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्था कहाँ स्थित है? चलिए थोड़ा वक्त मैं देता हूँ, आप बताएंगे इसको, क्या बता पाएंगे? इतना देर हो गया, चलिए मैं बता दूँ, इसका जो मानक संस्था है वो संस्था वो है जिनेवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, DTH हेतु प्रक्षेपित उपग्रह का नाम बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा INSAT-4A। कोई वस्तु अधिकतम भारी हो जाएगा कब? जल में, निर्वात में, हाइड्रोजन में, वायु में? वायु में। ठीक है, कितने वर्ष तक ना देखे जाने पर उस प्रजाति को विलुप्त माना जाता है? 40 वर्ष तक। पश्चिम बंगाल में फर्श चित्रकला को क्या कहा जाता है? अल्पना कहा जाता है। वर्ष 1991 में यूनेस्को ने विज्ञान के प्रचार के लिए कनिंग पुरस्कार की स्थापना किसके मदद से की थी? किसके द्वारा की थी? बीजू पटनायक के द्वारा। क्वार्ट्ज कांतरित होता है बलुआ पत्थर से। सर्वाधिक गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह है। निम्नलिखित में से गलत मिलान करना है भैया। ठीक है, गणित अनुपात का नियम डाल्टन, स्थिर अनुपात का नियम प्रास्ट, आंशिक दाब का हो गया फिर से डाल्टन। ठीक है, सभी दो डाल्टन यहाँ हो गए, और लास्ट का पीएच स्केल का नियम पियर्सन ने किया था, बिल्कुल कौन किया था? SPL सोरेनसन ने, सोरेनसन। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे, निम्नलिखित में से किसमें 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर की भौगोलिक स्थिति दक्षिण अंध महासागर से? ठीक है, संयुक्त बैठक में विधेयक को किस प्रकार पारित किया जाता है? दोनों सदनों को उपस्थित मतदान करने वाले सभी सदस्य के बहुमत से। आगे बढ़ते सवाल पे कि परंपरा के अनुसार किस समिति के अध्यक्ष पर विरोधी दल के सांसद को नियुक्त किया जाता है? लोक लेखा समिति।
सकल राष्ट्रीय उत्पाद व शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर क्या है? पूंजी पर मूल हास के बराबर। त्रिय स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की गई थी बलपंत राय मेहता समिति के द्वारा। भारत को कहा गया है राज्यों का संघ। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ है? इसका मुख्यालय इंदौर में है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने किया था? पिंगले वेंकैया ने किया था। निम्नलिखित में किसके द्वारा किसे द्वि सदन कहा जाता है? लोकसभा को कहा जाता है। भारत के महान न्यायवादी अधिकतम किस उम्र की सीमा तक अपने पद पर रहेंगे? तो 65 वर्ष तक के रहेंगे, ठीक है। और महान्यायवादी का जो पद का वर्णन है अनुच्छेद किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 76 के अंतर्गत है।